Display light section. Isa ba na lang? Bald. ठीक है अब देखो इसमें होता क्या है आपकी बैटरी जो है वो कितने वोल्टेज देती है भाई जितनी वो चार्ज होगी उतने वोल्टेज देगी ठीक है लेकिन आजकल एंड्रॉइड में क्या होता है और पहले पुराने कीपैड फोन में क्या होता था पहले कीपैड फोन में 3 वोल्ट से या 3.3 वोल्ट से क्या होता था आपकी जो पीछे की बैकलाइट होती थी वो जल जाती थी यानी कि ब्राइटनेस आ जाती थी लेकिन उसमें क्या होता था हम ब्राइटनेस कम या ज्यादा नहीं कर सकते थे इसमें क्या किया गया एंड्रॉइड में सिस्टम किया गया कि ब्राइटनेस कम ज्यादा भी की जा सकती है और उसमें इतनी एफिशिएंसी से वो लगी हुई है कि सीरीज में वो लाइट लगाई गई है लाइट जिससे कि ज्यादा आपकी ब्राइटनेस आ जाए तो उसके लिए जो वोल्टेज की जरूरत है वो भी बहुत ज्यादा की जरूरत है कितनी ज्यादा की जरूरत है भाई मिनिमम से मिनिमम 10 चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 तक भी पहुंच जाते हैं 40 से ऊपर भी पहुंच सकते हैं किसी किसी सेट में वो डिपेंड करता है किस कंपनी ने किस हिसाब से सर्किट तैयार किया है ठीक है तो हमारे पास वोल्टेज कितने हैं भाई बैटरी के अंदर 4.4 वोल्ट मैक्सिमम या 4.5 वोल्ट ज्यादा ठीक है लेकिन 4.4 वोल्ट से हमें 40 वोल्ट तक ले जाने हैं तो मोबाइल में सिर्फ एक यही सेक्शन ऐसा है जहां पे वोल्टेज बढ़ाए जाते हैं बाकी हर सेक्शन में वोल्टेज घटाए जाएंगे कहीं भी और बढ़ाए नहीं जाएंगे वोल्टेज सिर्फ एक ही सेक्शन ऐसा है जहां पे वोल्टेज को बूस्टअप किया जाता है तो ये जो आईसी होती है हमारी लाइट आईसी जो होती है हमारी वोल्टेज बूस्टअप करने का काम करती है क्या काम करती है वोल्टेज बूस्टअप करने का अब ये वोल्टेज बूस्टअप कैसे करती है ये थोड़ा समझ लो सबसे पहले बैटरी कनेक्टर से एक ट्रैक आएगा और उसमें क्या लगी हुई होगी बूस्ट कोयल होगी कौन सी कोयल होगी बूस्ट कोयल होगी वो बूस्ट कोयल क्या करेगी आपकी ये आईसी अगर पिन वाली और 6 पिन वाली है तो इसकी पिन नंबर 1 को क्या देगी वोल्टेज देगी कितने वोल्टेज देगी जो आपके बैटरी के वोल्टेज है क्यों क्योंकि कोयल वोल्टेज को बढ़ा तो सकती नहीं है बढ़ा तो सकती नहीं है सिर्फ क्या करती है एम्पियर में यानी कि करंट में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है यानी फ्लक्चुएट को रोकती है ठीक है अभी यहां पे एक चीज और समझो यहां पे जरूरी नहीं कि पिन वाली ही आईसी हो ये बोल वाली आईसी भी हो सकती है कौन सी आईसी हो सकती है ये बोल वाली आईसी होती है हो सकती है मतलब सॉरी लेकिन उसमें भी क्या सिस्टम सब कुछ यही है सिस्टम सब कुछ यही रहेगा पिन कितनी भी हो वो थोड़ा डायग्राम पढ़ के आपको पता चल जाएगा कैसे पता चल जाएगा जैसे मैं अभी बता रहा हूं देखो तो अगर ये बोल वाली आईसी में होगी तो यहां से वोल्टेज जो दिए गए होंगे अंदर दिए गए होंगे आईसी की कोई सी भी पिन पे कोई सी एक पिन पे दिए गए होंगे कितने वोल्टेज दिए गए होंगे जो बैटरी के डायरेक्ट वोल्टेज है ठीक है तो देखो बैटरी से डायरेक्टली वोल्टेज इस कोयल के माध्यम से यहां आ गए और इसके साथ साथ वो कहां चले गए पिन नंबर 6 पे भी चले गए यानी पिन नंबर 6 को वोल्टेज दिए गए पिन नंबर 6 को डायरेक्टली वोल्टेज दिए गए देखो यानी कि कोई कोयल या कोई कंपोनेंट यूज नहीं किया गया सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए 2 कैपेसिटर यूज किए गए हैं ठीक है ग्राउंड से अब यहां से वोल्टेज निकल के यहां चले गए अब ये आईसी करती क्या है ये आईसी जब इसको सीपीयू ये सीपीयू है ये क्या करेगा ये इनेबल सिग्नल होते हैं हमारे कौन से इनेबल सिग्नल ठीक है अब मान के चलो तुम्हारा क्या सेट जो है स्टैंड बाय मोड में चला गया स्टैंड बाय मोड मतलब उसका ऑटोमेटिकली लॉक लग गया कुछ सेकंड के बाद तो होता क्या है भाई ये वोल्टेज का कोई तार थोड़ी कट गया इस आईसी से जो तुम्हारी लाइट आनी बंद हो गई ग्राफिक तब भी आता रहता है ग्राफिक मतलब जो पिक्चर है वो तब भी आती रहेगी लेकिन तुम्हें नहीं चमकेगी क्यों नहीं चमकेगी क्योंकि बैक लाइट नहीं आ रही है अब बैक लाइट बंद कैसे हो गई बैक लाइट बंद होने का रीजन सीपीयू पे है मतलब उसको सीपीयू डिपेंड करता है कब बंद कराना है और कब चलाना है तो यहां से सीपीयू जब 1.8 वोल्ट आईसी की पिन नंबर 4 को दे देगा पिन नंबर 4 को दे देगा तो वो वोल्टेज यहां पे आ गए दैट मींस ये आईसी एक्टिवेट हो गई और ये आईसी क्या काम करेगी ये करती है ऑन ऑफ बहुत जल्दी स्विचिंग इस आईसी को इस हिसाब से बनाया गया है कि ये स्विचिंग करती है स्विचिंग करने से क्या होगा कि ये वोल्टेज को जो है एसी पल्स में ले जाएगी जो डीसी के वोल्टेज ये ले रही है ये जो डीसी के वोल्टेज इसके अंदर जा रहे हैं वो एसी में बदल जाएंगे किस में बदल जाएंगे एसी में बदल जाएंगे और वोल्टेज जो हो जाएंगे वो थोड़े बढ़ जाएंगे ठीक है अब वो कितने बढ़ जाएंगे ये हमें नहीं पता वो डिपेंड करता है किस हिसाब से सर्किट बनाया गया है किस हिसाब से फीडबैक आ रहा है इसमें ठीक है तो वो बढ़ाएगी कितने बूस्टअप कितने करेगी तो बूस्टअप इतने करेगी देखो ये नेगेटिव फीडबैक जा रहा है और ये पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है फीडबैक का मतलब हो गया कि आगे जो आपकी इसके अंदर लाइटें डाल दी गई हैं
वो सीरीज में कितनी लाइट लगाई है। मान के चलो एक लाइट 3 वोल्ट की है, अगर 5 लाइट लगी हुई है आपकी तो 5 मल्टीप्लाई 3 15 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से 15 वोल्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से फीडबैक सिस्टम जाएगा और ये आईसी उतने ही वोल्टेज प्रोवाइड करेगा कि जितने की जरूरत है, जितने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और इसी की वजह से क्या होता है, इस फीडबैक सिस्टम की वजह से ये लाइटें जो है कम खराब होती हैं। अगर ये फीडबैक सिस्टम ना बनाया जाए तो ये लाइटें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है, ये पॉइंट आपका ग्राउंड हो गया। अब यहां पे वोल्टेज जा कैसे रहा है, देखो इस आईसी ने यहां से वोल्टेज ले लिया, यहां से ले लिया, इसको सीपीयू ने एक इनेबल सिग्नल दे दिया जिससे क्या करेगी, स्विचिंग करेगी एकदम से, एक सेकंड में कम से कम 100 बार ऑन ऑफ ऐसे होगी बहुत जल्दी जल्दी। तो ऑन ऑफ होने का मतलब हमारा जो डीसी करंट होता है वो ऐसे चलता है, लेकिन एसी करंट जो होता है वो ऐसे चलता है, ऐसे ये। तो भाई जब ऑन ऑफ हो रही है तो ऐसे तो चलेगा वो करंट, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, दैट मींस इसने वो एसी साइकिल बना दी, एसी साइकिल बना दी तो भाई करंट थोड़ा बूस्ट अप हो गया। अब एसी पे तो हमारी लाइटें जलेंगी नहीं, एसी पे हमारी लाइटें जलेंगी नहीं, किस पे जलेंगे, डीसी करंट पे जलेंगे। तो उसके लिए फिर दोबारा से डायोड यूज किया गया है, यहाँ क्या यूज किया गया है, डायोड यूज किया गया। ये फिर दोबारा उसको किस में बदल देगा, डीसी करंट में बदल देगा, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी हमारी और यहाँ से डायोड से होते हुए यहाँ जो मिलेगी वो हमें 10 वोल्ट से 40 वोल्ट तक मिलेगी डीसी करंट। हाँ, मिलेगा डीसी ही करंट, 10 से 40 कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब देखो इस सेक्शन में जब प्रॉब्लम आती है तो होता क्या क्या है। सबसे पहली बात, अगर इस सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाए तो आपकी जो बैक लाइट है वो जलनी बंद हो जाएगी, भाई वो जलेगी नहीं। तो इसमें प्रॉब्लम कहां कहां से आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम दो जगह से आ सकती है, एक तो आपके मदरबोर्ड से आ सकती है और एक आपके फोल्डर के अंदर की लाइट से आ सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेक करना है आपको, सबसे पहले अगर ये प्रॉब्लम किसी भी सेट में आती है तो सबसे पहले जो कनेक्टर लगा हुआ है इस पे ये देखो कोई कार्बन या कोई पिन टूटी हुई तो नहीं है, हो सकता मान के चलो लाइट वाली पिन टूट गई हो या कार्बन आ रखा उस पे, तो पहले तो तुम उस केस को देखोगे। तो ये जो प्रॉब्लम मान के चलो तुम्हारे पास 100% केस आ रहा है, कितने परसेंट केस आ रहा है, 100% केस आ रहा है, 100 में से 20% यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। किससे सॉल्व हो जाएगा, कोई कार्बन हो सकता है, कोई पिन टूटी हुई हो सकती है, साफ करके दोबारा लगा दो, बिल्कुल। अब तुम ऐसा तो कर नहीं सकते कि मान के चलो तुम्हारा ये सब कुछ ओके है, कार्बन भी नहीं है, कोई प्रिंट भी टूटा हुआ नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि फोल्डर को खोल के देख लो कि भाई उसकी लाइट तो खराब नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं एक प्रॉब मल्टीमीटर की ग्राउंड पे रखेंगे और मल्टीमीटर को सेट करेंगे कितने पे, 200 वोल्ट डीसी पे। कहां पे सेट करेंगे, 200 वोल्ट डीसी पे। क्यों, क्योंकि अभी तक मोबाइल के अंदर अगर हमें वोल्टेज चेक करने होते तो हम मल्टीमीटर को सेट करते 20 वोल्ट डीसी पे, लेकिन यहां पे सेट करना पड़ेगा हमें 200 वोल्ट डीसी पे। क्यों, क्योंकि हमारे 40 वोल्ट भी बन सकते हैं तो वो मल्टीमीटर खराब कर देगा अगर किसी वजह से आप 20 वोल्ट पे रखोगे तो। तो इसलिए हमें 220 वोल्ट डीसी पे मल्टीमीटर सेट करना है और एक प्रॉब को ग्राउंड रखना है, ग्राउंड कहीं भी रख लो, ए टू जेड पूरे मोबाइल में कहीं भी ग्राउंड ले सकते हो, और रेड प्रॉब सिर्फ आपको डायोड के आगे वाली साइड पे रखनी है, यहाँ पे डायोड के आगे वाली साइड पे यहां पे रखनी है। अब देखो यहां एक चीज समझ लेना, अगर आपकी आईसी काम ना भी कर रही हो तो भी यहां 4 वोल्ट जरूर मिलेंगे। अच्छा, वो डायोड की वजह से, वो डायोड की वजह कैसे मिलेंगे, क्योंकि यहां से देखो इस पिन पे कितने वोल्टेज आए डायरेक्टली, 4.4 जो 4.4 थे वो यहाँ आए, तो यहाँ से ऐसे भी जाएंगे और डायोड से भी निकलेंगे। लेकिन यहाँ बूस्ट वोल्टेज कब बनेंगे, जब आईसी आउटपुट देगी। तो अगर यहाँ पे आपके 4 वोल्ट के आसपास बन रहे हैं तो दैट मीन्स प्रॉब्लम आपकी पीछे के सेक्शन में, आगे के सेक्शन में नहीं है। अगर यहाँ पे आपके वोल्टेज कितने बन रहे हैं, 10 वोल्ट से अब बन रहे हैं, 10 वोल्टेज से ऊपर बन रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका वो सेक्शन ओके है। या तो फिर दिक्कत थी किसमें, कनेक्टर में, नहीं तो फिर दिक्कत है किसमें, फोल्डर के अंदर डली हुई लाइट में। तो यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मतलब 10 वोल्ट से ज्यादा दे रहा है, 10 वोल्ट से ज्यादा यहाँ आ रहा है। हाँ, और दूसरी बात, कभी कंफ्यूजन ऐसे मत कर लेना, जैसे तुमने फोन ऑन करा तो कुछ सेकंड के बाद उसका लॉक लग जाता है, तो जब लॉक लग जाएगा तब यहाँ पे फिर दोबारा चाहे तुम्हारा ये चीज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ पे यही वोल्टेज आ जाएंगे 4.4। फिर दोबारा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पावर की एक बार दबा के देख लो या लॉक खोल दो, तो तुरंत यहाँ पे फिर बूस्ट वोल्टेज बनने लग जाएंगे, अगर पीछे का सेक्शन सही है तो सही है तो। अगर इसमें कमी कहां कहां से आती है, पहले मैंने बता दी कनेक्टर से हो सकती है, दूसरा लाइट अंदर की खराब हो सकती है, तीसरा ये हमारी बूस्ट कॉइल खराब हो सकती है। ज्यादातर चांस में कितने, 100 में से 20% कनेक्टर खराब होता है और कम से कम
30% केस में, कितने परसेंट केस में, 30% केस में बूस्ट कॉइल खराब होती है. क्या खराब होती है? बूस्ट कॉइल खराब होती है. अब किसी वजह से आपकी बूस्ट कॉइल भी ठीक है तो फिर क्या खराब होगा? फिर 10% या 20% केस होता है किसका? डायोड का. डायोड का केस होता है 10-20%. ठीक है, कितने परसेंट केस सॉल्यूशन होंगे हमारे? 20-30-50-70. अब 20% केस में हमारा क्या होगा? लाइट आईसी खराब होगी. 20% केस में क्या होगा? लाइट आईसी खराब होगी. अब बचा कितना? 10% केस में क्या होगा हमारा? 10% केस में, 10% केस में 5% या 7% तो ये वाली लाइटें खराब निकलेंगी. इनमें से एक लाइट भी खराब होती है सारी बंद हो जाती है. ठीक है ना? एक बंद हो जाएगा सर. एक ही खराब होगी क्योंकि सीरीज में लगी हुई है. अब सीरीज में एक खराब हुई सारी बंद हो गई. ठीक है, तो या तो ये लाइटें खराब होंगी या ये जो इनेबल सिग्नल आ रहा है ये मिलना बंद हो जाता है. यानी कि सीपीयू इनेबल सिग्नल को देना बंद कर देता है. वो सीपीयू से होती है, होगी नहीं, नहीं हो जाती है. वो भी इनेबल सिग्नल यहाँ भी आता है, इनेबल सिग्नल टच पे भी आता है. बट टच भी तो तभी एक्टिवेट होती है जब लॉक खुला हुआ होता है. जब लॉक लगा हुआ होता है टच भी डीएक्टिवेट है तो वहां पे भी 1.8 वोल्ट ही आता है. तो अगर किसी वजह से तुम्हें ये सिग्नल नहीं मिल पा रहा यहां से, मान लो सीपीयू से आना बंद हो गया, तो तुम एक जम्पर उठा के कहां से दे दोगे इस इनेबल सिग्नल को? टच के पॉइंट से दे दोगे जहां पे टच पे इनेबल सिग्नल आ रहा होगा. लेकिन देना इनेबल सिग्नल ही है, ये नहीं है कहीं से भी उठा के कुछ भी ले लिया. अब तुम्हें प्रॉपर पता कैसे चलेगा कि ये इनेबल सिग्नल ही है? जब उसका डायग्राम पढ़ोगे. तो डायग्राम में बहुत जगह पे इनेबल सिग्नल लिखा हुआ होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लॉक खोलने के बाद ही एक्टिवेट होती हैं. लेकिन ये चीज पता तभी चलेगी वो लास्ट 10% जब तुम क्या कर लोगे? डायग्राम पढ़ना सीख लोगे. ठीक है, तो ये चीज तो आप ज्यादातर मिस्त्री लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपके पास ये सिस्टम आया, ये फॉल्ट आया, सबसे पहले वो क्या चेक करेंगे? बूस्ट कॉइल चेक करेंगे. सिर्फ बूस्ट कॉइल को चेक कर लेंगे, उसको चेंज करके देख लेते हैं अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ. तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 20-30% केस इसी से सॉल्व हो जाता है. तो 20-30% को केस कर देते हैं. लेकिन अगर उसके बाद नहीं होता तो डायोड चेंज करके देख लेते हैं. अगर डायोड चेंज करने से हुआ हुआ, नहीं तो नहीं हुआ. ठीक है, अब इसके बाद वो क्या करते हैं? वो बोल देते हैं भाई ये नहीं होगा. लेकिन जिसको प्रॉपर नॉलेज है वो फिर लाइट आईसी को भी चेक करेगा और उसके बाद वो फोल्डर चेंज करके भी चेक करेगा. और उसके लास्ट जब सब कुछ चेक करने के बाद भी उसको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी तो फिर वो इनेबल सिग्नल भी चेक करेगा. यानी कि सब कुछ चेक कर सकता है. उसने फोल्डर खोल के लाइट चेक करी, लाइट चेक करने लगा उसने, एक लाइट फूटी हुई है. हाँ, अगर वो एक लाइट निकाल के जंपर मार दे, हाँ, जंपर मार के जल जाएंगी, जल जाएंगी, हाँ, जल जाएंगी. लेकिन जंपर मारने की वजह ऐसा तुम कर सकते हो, जैसे तुमने देखा होगा कि फोल्डर बहुत सारे फोल्डर टूट जाते हैं. आप लोग रिप्लेसमेंट करते हो, आप क्या करते हो? फोल्डर को उठा के फेंक देते हो. आप चाहो तो वो टूटा हुआ तो भाई उसकी लाइट निकाल के रख सकते हो. लाइट निकाल के रख सकते हो, पूरा पत्ता निकाल के रख सकते हो. सभी में सेम होती है, ज्यादातर लगभग सेम होती है क्योंकि अंदर से प्रिंट भी लाइट के तीन आते हैं. ये मान लो लाइट लगी हुई तो पत्ता आएगा तो उसमें तीन पॉइंट आते हैं ऐसे. एक पॉइंट प्लस होगा, एक माइनस होगा, एक होगा कितनी ब्राइटनेस कम ज्यादा. सभी दोनों साइड होती है, एक साइड होती है. क्या चीज? लाइट एक ही साइड होती है, नीचे की साइड, एक साइड ऊपर की तरफ देगी. वो चारों तरफ भी होती है, चारों तरफ होती है. कुछ सैमसंग के साइड में होती है लेकिन बाकी अदर किसी सेट में नहीं होंगी. ठीक है, 99% सेट में जो होंगी सिर्फ नीचे की साइड होंगी. सिर्फ नीचे की साइड से ऊपर को इस तरीके से वो अपना जो ब्राइटनेस है वो देंगे. ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया. अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग और भी है जो स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ. एक तो यहाँ पे आईसी चेंज मिल सकती है. बोल आईसी में कैसे पता लगाएंगे पिनों का? बोल आईसी में तुम तब कुछ कर सकते हो जब तुम्हारे पास सर्किट डायग्राम हो. अगर तुम्हारे पास सर्किट डायग्राम नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में साफ साफ लिखा हुआ होगा कि ये बूस्ट कॉइल वाले वोल्टेज किस पे जा रहे हैं और ये डायरेक्टली वोल्टेज किस पिन पे जा रहे हैं और फीडबैक किस पिन पे आ रहा है, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ होगा. कॉइल और डायोड कंपलसरी होगा इस सेक्शन. कॉइल डायोड कंपलसरी है इस सेक्शन में. जहां पे कॉइल डायोड दोनों है वहीं पे लाइट सेक्शन. ऐसा ये नहीं हो सकते जो रजिस्टर वगैरह लगा रखे हैं ग्राउंड से, ये तो ये भी होते हैं जरूर, नहीं होते ये भी होते हैं. लेकिन ये क्या है, तो ग्राउंड से रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं. देखो यहाँ पे ग्राउंड से ये भी होते हैं, कभी याद हो जाते हैं लेकिन इनका कोई इतना बड़ा इशू नहीं आएगा. देखो मान के चलो ये वाला खराब हो गया, तो खराब होना क्या है, यहाँ पे बहुत ही लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा हुआ है. लो वैल्यू रेजिस्टेंस का मतलब हो गया अगर हम इसको डायरेक्ट भी करते तब भी हमारा काम चलेगा चलेगा. ठीक है, क्योंकि वो 0 ohm, 10 ohm, 20 ohm ऐसे होता है. अगर कोई हाई लेवल का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जैसे ये है, ये हाई लेवल का होगा, ये समथिंग 1K या 2K का होगा, तो यहाँ पे ये खराब हो गया तो फीडबैक जाना बंद हो जाएगा. फीडबैक जाना बंद हो जाएगा तो वो क्या करेगा? एक्टिवेट ही नहीं होगा. यानी कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से, जब देखो यहाँ से आईसी ने वोल्टेज निकाल दिए, यहाँ से निकालने के बाद वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज यहाँ है तो ये फीडबैक उसको देगा, तब आईसी को पता चलेगा कि हाँ मेरे वोल्टेज आगे तक जा रहे हैं. ये इसलिए सिस्टम बनाया हुआ है. ठीक है,
और कितने वोल्टेज आगे दे रहे हैं, कितने निकालने उसके लिए बनाया हुआ है, ठीक इसे बना लेते हैं। तो पूरी चीज समझ में आई, इसको जरा नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ। पूछता हूँ कि मशीन क्या है, ठीक है? चलिए, ये हमारी डीसी पावर सप्लाई, ठीक है? ये मोबाइल के लिए होती है, ये मैक्सिमम दे सकती है आपके, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है वोल्टेज, यहाँ लिखा हुआ है करंट, ठीक है? अभी यहाँ वोल्टेज कितने शो कर रही है, 14.9, तो इतने वोल्ट की तो हमें जरूरत है नहीं मोबाइल के अंदर, ठीक है? 3.9 हमें जरूरत है 4 वोल्ट की, आज के एंड्रॉइड सेट में जरूरत है 4 वोल्ट की, कीपैड भी 4 वोल्ट पे सही चलते तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखो इससे इसको वोल्टेज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो हमने इसको 4 वोल्ट पे सेट कर लिया, ठीक है? अब ये जैसे कोई भी हमारे पास सेट होगा, तो ये हमारे पास दो प्रोब है, एक रेड एक ब्लैक, तो रेड ब्लैक का मतलब हो गया बैटरी का प्लस हो गया, ये बैटरी का माइनस हो गया। अब इसको बैटरी समझ लो और कुछ नहीं है, बैटरी समझ लो। अब जैसे मान लो मेरे पास यही सेट है, देखो जैसे हमारे पास ये सेट है, अब ये डेड कंडीशन में आएगा तो हमें बैटरी से तो कुछ पता लगेगा ही नहीं कि भाई ये कुछ कर रहा है, कुछ रेस्पॉन्स ले रहा है कि नहीं ले रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे चेक करेंगे हम। अब देखो इसका तीसरा नंबर हमारा माइनस है, तो हम तीसरे नंबर पे पिन लगाएंगे, ये बैटरी पे लिखा हुआ होता है, देखो अच्छा, चार पॉइंट है, तीसरे पे माइनस है, बैटरी पे लिखा होगा पता चल जाएगा, ठीक है? और ये डायरेक्टली बीप भी मारेगा अगर यहाँ हर जगह, ठीक है? और ये हमारा प्लस है, तो प्लस पे हमने ये चीज लगा ली। अब देखो किसी वजह से अगर आपका सेट यहाँ पे बिना कोई बटन दबाए एम्पियर लेने लग जाए, तो दैट मीन्स आपके फोन में क्या है, लीकेज कंडीशन है, ठीक है ना? और जैसे अगर हम पावर की दबाते हैं, पावर की अगर हम दबा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ नंबर आए 10 या 10 से नीचे नीचे, तो उस सेट में सॉफ्टवेयर के मतलब सॉफ्टवेयर करप्ट होने के चांसेस हैं, यानी कि वो सॉफ्टवेयर पे डेड होने के चांसेस ज्यादा हैं। कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो सॉफ्टवेयर से ही डेड है, लेकिन चांसेस सॉफ्टवेयर से होने के ज्यादा हैं, ठीक है? अगर वो 10 से अबव जा रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा, 10 से अबव जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम है, वो चाहे जो भी हो। तो इससे सिर्फ हमें इतना पता लगता है, या इससे हम क्या कर सकते थे, इस फोन के अभी हमारे पास बैटरी नहीं है, तो हम क्या कर सकते थे, सिर्फ इससे ऑन करके देख सकते हैं इसको, अगर ये सेट हमारा ओके है तो। तो अभी जैसे हम इस सेट में हमारे क्या है, लाइट सेक्शन में लाइट की प्रॉब्लम है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ ध्यान से देखना, अब देखो जैसे इस सेट में हमारे क्या है, लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम है। तो लाइट सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये यहां पे देखो क्या लगी हुई है, ये बूस्ट कॉइल लगी हुई है, क्या लगी हुई है, बूस्ट कॉइल लगी हुई है, और ये डायोड लगा हुआ है, साफ दिख रहा है भाई उसमें, ये देखो यहां पे देखो ये क्या लगा हुआ है, डायोड, ये डायोड दिख रहा है ये वाला, ये हमारा देखो डायोड हो गया, ये हमारी बूस्ट कॉइल हो गई, और ये जस्ट उसके पास में आईसी हो गई, तो ये हमारी कौन सी है, लाइट आईसी है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा फोन ऑन नहीं होगा, देखो अभी हमारा फोन ऑन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कितने वोल्टेज आएंगे, जो डायोड के आगे मैंने डायग्राम में दिखाया, मतलब जितने वोल्टेज हमारे बैटरी दे रही होगी उतने आएंगे। तो अभी मैं वहां पे चेक करता हूँ, देखो मैंने मल्टीमीटर को कहाँ लगा रखा है, 200 वोल्ट पे लगा रखा है, कहाँ पे लगा रखा है, 200 वोल्ट पे लगा रखा है। तो मैंने ये प्रॉब तो रख दी देखो ग्राउंड पे, ये प्रॉब रख दी मैंने ग्राउंड पे, अब मैं डायोड के इधर के पॉइंट पे प्रॉब रख रहा हूँ, यहाँ पे देखो कितने वोल्टेज आने मेरे, 4.12। तो ये जो थोड़ा सा एक वेरिएंस आ रहा है, आप सोच रहे होंगे सर 4.2 क्यों आ गए, तो वो नॉर्मली हो सकता है मल्टीमीटर की प्रॉब्लम हो या डीसी मशीन के रेगुलेटर उसमें जो डिस्प्ले है उसमें प्रॉब्लम हो, ठीक है? थोड़ा बहुत पॉइंट का इतना कोई अंतर नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होता। आप देखो मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, ये हमने पावर की दबाई, तो देखो पावर की दबाने पे देखो उसने एम्पियर लिया, और जब ये एम्पियर लेते लेते कहां पे पहुंच जाएगा, ये वाइब्रेट हो जाएगा सेट, मुझे पता चल जाएगा। अभी देखो ये 1 से ऊपर एम्पियर आ गया, दैट मींस ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। अब ये हमारा सेट ऑन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, वही चीज दोबारा से चेक करूंगा उस डायोड पे कितने वोल्टेज हमारे बन रहे हैं, देखो कितने वोल्टेज बन रहे हैं, वही वोल्टेज बन रहे हैं जितने पहले बन रहे थे 4 वोल्ट के आसपास। तो दैट मींस या तो हमारा लाइट आईसी खराब है, या हमारा इसको इनेबल सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो सैमसंग के सेट में एक और चीज होती है, अगर किसी वजह से हमने क्या कर रखा है, ये हमने लाइट नहीं कनेक्ट कर रखी है, तो कभी कभी फीडबैक नेगेटिव और फीडबैक जो पॉजिटिव है वो नहीं मिलेगा, तो आपकी आईसी एक्टिवेट नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस पर डिस्प्ले लगा के चेक करनी पड़ेगी, ठीक है? तो पहले हम इसकी डिस्प्ले लाएंगे और तब चेक करेंगे। पूछ करो,
अब देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे बॉल वाली आईसी है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये खराब हो जाए, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं, ये भी अवेलेबल नहीं हो रही है हमें मार्केट में, ये अवेलेबल हो भी रही है तो एक वेबसाइट है, चाइनीज वेबसाइट है, उससे अवेलेबल हो रही है 700 रुपए के आसपास। तो पहली बात तो मैं 700 रुपए की आईसी मंगाऊं और रिक्स लू चाइना से आईसी आए या ना आए, पहला रिक्स तो ये। फिर 700 रुपए की इसमें डालूंगा, 1000 रुपए कम से कम, मिनिमम से मिनिमम मैं कस्टमर से लूंगा तो वो 1000 रुपए देगा नहीं मुझे इस काम के। तो उसके लिए मार्केट में एक यूनिवर्सल सर्किट अवेलेबल होता है, जो सर्किट मैंने तुम्हें बोर्ड पे पढ़ाया सेम वो ही सर्किट है ये। देखो ये 6 पिन की आईसी होगी, ये बूस्ट कॉइल हो गई, ये डायोड हो गया, ये इधर कैपेसिटर हो गया, ये इधर कैपेसिटर हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको तुम्हें क्या करना होता है, इसको ये करना होता है, यहाँ पे देखो तुम्हें दे रखा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एलईडी माइनस एलईडी प्लस, तो यानी कि यहाँ पे एलईडी प्लस प्लस वाला जम्पर लगाना है, यहाँ माइनस वाला जम्पर लगाना है, और इधर क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे देखो यहाँ यहाँ और यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, और माइनस के जस्ट पास में ईएन दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे प्लस लगाओगे, यहाँ पे माइनस लगाओगे बैटरी से, ठीक है, और यहाँ पे ईएन सिग्नल दे दोगे अपना, तो ईएन सिग्नल जैसे यहाँ मिलेगा वैसे ये बूस्ट वोल्टेज बना के निकाल देगी और लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। लेकिन एक थोड़ी सी इसमें दिक्कत ही आती है, अगर मैं इसको यहाँ रखना चाहूंगा तो ये सेट पैक नहीं हो पाएगा, देखो कितना मोटा हो गया ये, कितना मोटा हो गया, तो इस तरीके की इसमें दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पे या तो ये सर्किट ही ऐड करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, हमें ये आईसी मार्केट से लाके लगानी पड़ेगी, क्योंकि आईसी खराब हो चुकी है। इस आईसी को रिवोल्व करके भी लगाया जा सकता है, एक बार रिवोल्व करके भी लगा सकते हैं हम इसको, लेकिन ये आईसी खराब है इसलिए हम इसको रिवोल्व नहीं करेंगे, नई आईसी की हमें जरूरत पड़ेगी, आईसी खराब हो चुकी है तभी ये काम नहीं कर रही हमारी। तो उसके लिए हम या तो ये सर्किट यूज करेंगे या ये आईसी यूज करेंगे। अब इसमें एक काम और भी हो सकता है, अगर इसका प्रॉपर आपके पास डायग्राम है, प्रॉपर आपके पास डायग्राम है तो आपको ये पता होगा कि कहां पे ईएन सिग्नल आ रहा है, कहां पे ईएन सिग्नल आ रहा है। आपको ये भी पता चल गया कि आपका जो एलईडी प्लस का ट्रैक है वो ये है, एलईडी ट्रैक माइनस यहां से देख ही लोगे आप, उसके जस्ट पास वाला बगल वाला होगा, ठीक है। तो एलईडी माइनस पता चल गया, एलईडी प्लस पता चल गया, और बैटरी कनेक्टर से तो बैटरी पॉइंट दे ही दोगे आप, कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पे आ गए कोयल पे, प्लस और माइनस कहीं से भी लेके दे दोगे। आपको क्या करना है, ये वाली आईसी पे जंपर मारने पड़ेंगे, कितने 6 जंपर मारने पड़ेंगे, और 6 के 6 जंपर आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे जहां जहां उसकी जरूरत है। तो फिर आप बस ये आईसी निकाल देनी है, और जो बूस्ट कोयल और डायोड इसमें अलग से लगा रखे ना ये कैपेसिटर, तो ये यूज ना करके हम ये इसके वाले यूज कर लेंगे जो इस सेट में लगे हुए हैं, सिर्फ जंपर मार देंगे आईसी वाले, और ये वाली जो आईसी है ये इस आईसी की जगह यूज कर लेंगे और जंपर मार के ये आईसी जंपर मारने पड़ेंगे, ठीक है, इसके जंपर मारने पड़ेंगे हमें 6। तो ये मतलब पहला जुगाड़ आपका ये है जो मैंने बताया, दूसरा जुगाड़ ये है कि आईसी चेंज कर लो, और तीसरा जुगाड़ ये है कि ये लगा दो, या चौथा जुगाड़ ये है कि ये आईसी एक तरह नहीं हो सकता, ये वाली आईसी यूज कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है मान लो इस पे हम सिर्फ एक हमारी आईसी तो काम करेगी, बाकी तो वही काम कर रहे हैं, वही मैं कहना चाह रहा हूं, आईसी को निकाल के हां वही बताया मैंने, जंपर मार के वही सिस्टम बताया है, जंपर मारने की फिर ये निकाल के, जंपर मारने की जरूरत है, ये आईसी हम यहां से निकाल लेंगे, 6 पिन वाली जो है आईसी है ना, ये वाली आईसी, ये आईसी यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि ये सर्किट हमारा कितना बड़ा हो रहा है, यहां पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो ये आईसी तो हमारी यहां पे भी रखी जा सकती है ना, इतनी जगह में हमने आईसी चिपका दी, मान लो एलपी से चिपका दी, एलपी चिपका दी, डबल टेप से चिपका दी, कैसे चिपका दी जंपर, ये जो 6 के 6 जंपर है जहां पे लगने हैं, मान के चलो आउटपुट वाला जंपर तो आउटपुट पे देना है, इनपुट वाला जंपर इनपुट से ले लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करना है इस पे, 6 की 6 पिन तो इसी आईसी के पॉइंटों पे लगेगी ना जो अंदर निकलेंगे सर, इस पे से 6 जंपर उठाए, उसमें एक जंपर लगेगा कहां, बूस्ट कॉइल पे, जो बूस्ट कॉइल के वोल्टेज कहां से आ रहे हैं, इससे बैटरी कनेक्टर से आते हैं डायरेक्टली, ठीक है, प्लस वाले, तो वो कौन से नंबर की पिन पे जाएंगे, पहली पे जाएंगे और छठी पे जाएंगे, दूसरे नंबर पे तो वो लगा होता है, दूसरे की तो जंपर मारनी जरूरत ही नहीं, ग्राउंड से लगेगा, नहीं ग्राउंड का जंपर यहाँ मारना पड़ेगा, इस आईसी में ग्राउंड कहाँ से मिलेगा, फिर ग्राउंड तो ग्राउंड पे कहीं भी मार सकते हो, कोई जरूरी नहीं, यहाँ जहां भी तुम्हें ग्राउंड मिले वहां मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 के 6 जंपर मारने पड़ेंगे तुम्हें, तो ये थोड़ा काम जो होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, केयरफुली होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से काम कर सकते हो ना, बस पहुंच कैसे पता
मतलब वो तरीके हैं भाई, या तो इनेबल सिग्नल नहीं मिल रहा, पहले इनेबल सिग्नल चेक करा जाएगा, इनेबल सिग्नल डायग्राम पढ़ के चेक किया जाएगा। अच्छा। दूसरा तरीका ये है कि भाई जब बूस्ट वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, ट्रैक हमारा ओके है, कोयल अपना सही काम कर रही है, डायोड अपना सही काम कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है बूस्ट वोल्टेज नहीं आ रहा है, लाइट आईसी, तो बूस्ट वोल्टेज नहीं आ रहा, दैट मीन्स आईसी खराब है, आईसी खराब है या इनेबल सिग्नल नहीं मिल रहा। अगर इनेबल सिग्नल नहीं मिला, सीपीयू नहीं दे रहा इनेबल सिग्नल, हाँ तो इनेबल सिग्नल का जंपर यहाँ से कट करके वो रजिस्टर यहाँ से हटा के, वो ट्रैक यहाँ से पॉइंट हटा के, और कहाँ से दूसरी जगह से इनेबल सिग्नल। इनेबल सिग्नल बहुत सारे होते हैं सर, इनेबल सिग्नल कई जगह आएंगे जैसे टच पे आ गए, अच्छा एक्टिवेट होगी ना जब लॉक खुलेगा टच, अगर मान के चलो कंटिन्यू टच एक्टिवेट रहती हो तो फिर फोन लॉक लगाने पे भी मतलब सीपीयू से इनेबल सिग्नल हटा के फिर कहीं और से लेने पड़ेंगे भाई, सीपीयू से ही आते हैं सिग्नल टच पे भी, सीपीयू से बस ट्रैक खराब होता है, ट्रैक दूसरा होता है वो ट्रैक दूसरा, सिग्नल वही आएंगे, इनेबल सिग्नल ही आएंगे, इनेबल सिग्नल का मतलब एक्टिवेट कराना, ठीक है, तो वहां से उठा के देते हैं।